सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, मैं और हमारे दोस्त का नाम क्या है? रुपेश मोरे भाई, हम अभी जा रहे हैं लेह लद्दाख, मतलब जो लेह लद्दाख सिटी है वो सिटी थोड़ा घूमेंगे, सबसे बेस्ट यहाँ का मार्केट घूमेंगे और थोड़ा स्ट्रगल करेंगे कि हमें सिम कार्ड मिल जाए। ओके, तो रुपेश भाई फुल यहाँ पे रेडी हो गए, मुझे थोड़ा सा हाथ में ग्लव्स और सर पे एक अच्छा सा टोपी चाहिए जो इस गेट के बाहर मिलेगा। वैसे भी हमने यहाँ पे होटल लिया, काफ़ी सस्ते में लिया है, मिल गए हम दोनों इत्तफाक से मिल गए और मिल मतलब अच्छा हुआ मिले। सो अब जाते हैं बाहर और मार्केट घूमते और आपको घुमाते हैं। तो भाई साहब, मतलब आप लेह लद्दाख के साइड आओगे ना तो आपको एक चीज़ से इतनी खुशी होगी ना कि आप पागल हो जाओगे, थैंक यू बोलोगे गॉड को, वो है धूप। क्या बोलते हैं, खुशी मिल रही है कि नहीं? खुशी मिल रही है बहुत बहुत, मतलब धूप सीधा चेहरे पे आ रहा है, गरम गरम लग रहा है, हल्का ठंडा लग रहा है, वो है। सो पीछे आप देखेंगे वहाँ पे वो लेह का सबसे पॉपुलर लोकेशन वहाँ पे पहाड़ के ऊपर। सो हम पहला मार्केट जाते हैं या पहले ऊपर जाते हैं? नहीं, पहले मार्केट जाते हैं, पहले मार्केट जाते फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। आई थिंक सो नीचे कुछ अच्छा, नीचे बास्केटबॉल खेल रहे हैं यहाँ के सब बंदे लोग। ये देखो वहाँ पे आर्चरी भी कर रहे हैं, वहाँ पे एकदम दूर वहाँ पे आर्चरी भी कर रहे हैं, बहुत सही है। जाना है परमिट का, मतलब मुझे 3 दिन ट्रैवल करना है वहाँ आउटसाइड का, तो वहाँ का परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के ट्रैवल नहीं कर सकते, जो टैक्सी स्टैंड के बाजू में है। सो एक और चीज़ बता दो यार, मेरी हालत मत जाना, बाल को मैंने ठीक से बांधा था पर बाल वो निकल गया उधर से, तो यहाँ पे ये काम घुमाओ, दुआ मांगो कि आगे का सफ़र अच्छा हो। ओके, और एक इससे भी बड़ा है, 100 गुना बोल सकते। तो हमें थोड़ा घूम घूम के यहाँ पे मिसिंग हो गया, हम लोग गलती से आगे चले गए थे, मतलब जहाँ पे डीसी ऑफिस से, जहाँ से परमिट मिलता है आपको लेके आगे घूमने का, बिना परमिशन का नहीं घूमता। वैसे भी 5-6 हो गया है, परमिशन लगता है नहीं मिलेगा तो एक दिन स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे, बट सुबह सुबह लेके निकल जाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें शूज़ के, एडवेंचर किट्स के बहुत सारे, पर ये मार्केट थोड़ा बिराना सा है, शाम सा है पीछे। अरे भैया डीसी ऑफिस कहाँ पे है भाई? सबसे बेस्ट तो यहाँ के डॉग भाई, किसी शेर से कम नहीं, मोटे मोटे बड़े बाल, खतरनाक। एक सीन हो गया, कल सुबह मुझे 11 बजे तक रुकना पड़ेगा, सुबह 10 बजे ये ऑफिस खुलेगा जहाँ पे परमिशन मिलेंगे अपने को आगे जाने के। बिना परमिशन के जाओगे आपको यू टर्न घुमा देंगे, जैसा मेरे साथ लोंगे वाला पोस्ट में हुआ, जहाँ पे मैंने परमिशन नहीं लिया था बॉर्डर का, अगर वहाँ पे मुझे जैसलमेर में लोंगे वाला मतलब परमिशन मिलता है बॉर्डर जाने का, पूरा बॉर्डर तक जाने देते हैं, तो वो परमिशन नहीं ले पाया था, ऐसा यहाँ पे हुआ, रुकना पड़ेगा मुझे कल सुबह 11 बजे तक। बड़ी प्रॉब्लम तो जो सांस लेने में चेस्ट जो पेन हो रहा है वो, और मुझे तो पूरा हालत ख़राब, लेकिन हमारे भाई साहब का एनर्जी बहुत टकाटक है, फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, क्या बात। आप ये कहीं शेयर करते हो इंस्टाग्राम फेसबुक? हाँ करते हो ना, तो जरा अपना आईडी बता दो ना यार, लोग देखे तुम्हारा आईडी। मेरा नाम है, मेरा आईडी है रूप के मोरे और कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं भाई, देख लेना। ओके, तो ये मार्केट एरिया तो पूरा घूम लिया हम लोग, और थोड़ा सा घूमते कुछ खा पिया जाए भाई, चलो कुछ नाश्ता वास्ता करते। यहाँ पे शूज़ के दुकान ज़्यादा है, ये बार बार नीचे ऊपर आ रहा हूँ, उतना पैर दुख रहा है मेरा, पीछे शूज़, ये सब कुछ ठंडी के ज़्यादा सामान है यहाँ पे। ओहो देखो, चलते चलते मेरा गला सूख गया, और मैंने इस ट्रिप पे पानी बहुत कम पिया है, मतलब दिल्ली से जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह लद्दाख, बहुत कम पानी पिया, जिस वजह से बॉडी में पानी कम हो गया, चक्कर उल्टी इसकी वजह से आ रहा है, मुझे मेरे भाई साहब ने बताया, और उन्होंने मुझे कपूर दिया, कपूर सूंघने के बाद ना भाई ठीक फील एकदम बहुत अच्छा कर रहा था। और ये यहाँ का मार्केट है जहाँ पे बाइक्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी बाइक्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ से बंद है, चल के घूमो यहाँ पे, मज़ा लो असली लेह का।
ठंडी ने तो हालत दुकान भी नहीं यहाँ पे दिख रहे की कहाँ पे जाके कुछ खाए पिए, सिर्फ यहाँ पे चका चौन है। मतलब बोल सकते कि मुंबई की जो कुछ बैंड्रा कुछ अंधेरी की जो मार्केट है खाली फैशनेबल चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। थोड़ा पब्लिक कम है क्योंकि सीजन अभी चालू होने में 15 से 10 दिन बाकी है, उसके बाद तो आपको यहाँ पे होटल से लेके स्पेस से कार पार्किंग की जगह भी आपको मतलब नहीं मिलेगी। गजब, तो यहाँ पे कुछ तो अच्छा लोकेशन है, जाके देखते हैं वहाँ पे। मजा उसमें ये, जहाँ तकलीफ हो वहाँ ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, मतलब तकलीफ में ज़्यादा मज़ा आता है। सिंपल सी बात है, मैंने इंडिया में ट्रैवल किया सब जगह, यहाँ वहाँ अजमेर में सब जगह ट्रैवल किया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काठमांडू में ट्रैवल किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ पैर से लेके घुटने से लेके कमर से लेके पीठ से लेके गर्दन से लेके सर और चेस्ट पूरा पेन दर्द चालू। हमारे भाई साहब फ़ोटो क्लिक कर रहे बट कहाँ चले गए, फोटोग्राफर काफ़ी अच्छे फोटोज़ क्लिक कर रहे। यो 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 आओ, यहाँ पे कुछ हमारे एक दोस्त के लिए ये फ्लैग लिया, मैं भी एक ये फ्लैग मुझे भी देना, यहाँ एक एक और देना। ये कितने का? 30 रुपये का। एक काम कीजिए और तीन देना। चलेगा, ये 1 2 3 4 इससे कितने हुए? 4 के हो गए। यहाँ अच्छा लग रहा, बाहर बहुत ठंडी है। तो हम अभी जस्ट एक जगह पहुँचे, मतलब इस यहाँ पे आने के लिए आपको ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा नीचे स्टेप आना पड़ेगा। देखिए पीछे एक बहुत ही प्यारा जगह है, मतलब मंदिर है वही। ओहो, अंदर गौतम बुद्ध के बहुत ही अच्छा मंदिर, ओहो मूर्ति है बहुत से। हालत तो ख़राब हो ही जाएगी, इग्नोर कर दो हालत को, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आप तो कार वार में आओगे, बाइक पर आओगे तो आपको पता चलेगा। और ठंडी ऐसी ठंडी है यहाँ पे। बढ़िया, हमें वहाँ पे जाना था, वहाँ पे बाइक्स एंड कार जाती है टैक्सी यहाँ की। जब टैक्सी वाले से पूछा भैया वहाँ पे जाने का कितना लोगे, तो बोलते हैं 500। 500 में मनाली ना पहुँच जाऊँ, 500 किलोमीटर मतलब आधा 250 किलोमीटर। सो हालत पे मत जाना, हालत बहुत ख़राब हो चुका है। कल तक चेस्ट दुख रहा था और आज सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, उठने को मन नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा मिजाज बन रहा है। तो आज डॉक्टर को दिखाएंगे और परमिट लेंगे, नहीं पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, तबीयत ठीक होने के बाद परमिट लेके आगे जाएंगे, वरना यहाँ से यू टर्न वापस जाना पड़ेगा। हमारे दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं इनका कैंप इन्जॉयमेंट। भाई खतरनाक एनर्जी है यार, हमारी एनर्जी फुस होगी क्योंकि हमें ठंडी लग चुकी है, ठंडी से बचना है। अगर ठंडी लग जाएगी तो सर दर्द चेस्ट दर्द पैर दर्द पता नहीं क्या क्या दर्द सब चालू हो जाएगा। और पानी की कमी ना करें बॉडी में, ऐसे भी यहाँ पे ठंडा, हाँ पानी पीते रहे, गर्म पानी अगर जुगाड़ हो सके तो जुगाड़ करना। अब हम फ्रेश हो जाते, थोड़ा वर्कआउट करते, क्या पता वर्कआउट से ठीक हो जाए। लो अभी मुझे उल्टी जैसा मिजाज हो रहा है खड़े होने पर। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। बाय बाय। तो मैं नहीं जाऊँगा खा, रो कब देता है यार, कर दो चलो समंदर जाओ।